अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त तैयबा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको धनिया लगाना बताऊंगी, जो हम घर में अपने इस्तेमाल करते हैं खाने बनाने में। तो वो ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, इजी टू ग्रो है। कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं है। बस मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी खाद मिली, जो गोबर की खाद भी हो सकती है, पत्तों की भी, और आप इजीली जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाज़ार से भी कोई बीज नहीं लेना, सबसे जो अच्छी बात है। तो आपने घर में से ही धनिया निकालना है, जैसे मैं कहती हूँ किचन में से चीज़ें उठाया करें, अपनी किचन में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने ये धनिया उठाना है और इसको लेके तो अपने छत पे चले जाना है। लेकिन उससे पहले आपने एक काम ज़रूर करना है, वो काम ये है कि आपने अपने धनिए को इसमें लंगड़ी डंडे में या हाथ से भी आप इसको थोड़ा ऐसे मोटा मोटा घोट लेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो है ये धनिया टूट जाएगा और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आधा कुछ दो हिस्सों में डिवाइड रहने चाहिए और कुछ जो है साबुत भी रहने चाहिए, मिक्स। ये दोनों आपने मिक्स लेने हैं और हाथ से भी आप इसको दो हिस्सों से कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मिक्स। कुछ साबुत, आधा साबुत ले लें और आधा जो है कूटा हुआ ले लें। तो बस अब इसको लेके छत पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको लगाना सिखाती हूँ। ये बीज तो मैंने सोचा इसमें लगा लेती हूँ। अच्छा, आपने ये क्या करना है, इसकी मिट्टी लेवल कर लेनी है। और अगर कोई है मिट्टी में कोई पौधा नहीं होना चाहिए और ठीक है। अच्छा, ऐसे मैंने इसको लेवल कर दिया है। इसकी मैंने ट्रेनिंग के लिए इसके सुराख जो है मैंने किए हुए हैं काफ़ी पहले से। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी किया था, पीसा था थोड़ा सा धनिया, तो वो मैं ऐसे करके उखेड़ दूँगी। ये देखिए, जो घर का धनिया होता है ना, उसका जायका भी बड़ा मज़ेदार होता है। आप उसको दही में अगर सिर्फ धनिया भी डालेंगे ना, तो उसकी चटनी भी बड़े मज़े की लगेगी। ये देखिए, सारी तरफ मैंने इसको बखेर दिया। अब क्या करना है कि इसमें से जो मैंने मिट्टी थोड़ी निकाल ली थी, तो वो ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर बखेर देनी है। थोड़ी छोटी सी तय एक जो है हम लगाएंगे मिट्टी की। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके, मतलब बस धनिए को छुपा देना है हमने, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बेशक इसको ऊपर नीचे भी थोड़ा कर देंगे। तो ये देखिए, मतलब हल्की हल्की सी ना, आधा इंच की तय लगा दें आप। मिट्टी हो, खाद हो, कुछ भी, कोकोपीट हो, जो आपका दिल करे, जो आसानी से आपको मिल जाए। मैं तो अपनी गमले की मिट्टी डाल देती हूँ उसके ऊपर। अब स्पेशल से कौन इतनी चीज़ें लेके आता है, लेकिन फिर भी आपके पास अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह करें और डालें। इंशाल्लाह आपके घर में बेहतरीन धनिया तैयार हो। ये बस जो धनिया ना, इसको मिट्टी में कवर कर देना, धनिया नज़र नहीं आना चाहिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, ये धनिया जो है ना कवर हो गया। इस पर कोई कंकर वगैरह तो वो आपने निकाल देने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए आप बिल्कुल छुप गया ये धनिया हमारा। तो अब हमने इसको वाटरिंग कर देनी है इसकी। बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना इसको। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये फिर ऊपर आ जाएगा। ऐसे तरीके से पानी लगाना है आपने कि जो धनिया छुपाया है आपने, वो मिट्टी में छुपा रहे। तो ये हमारा धनिया लग गया। बस ये इतना आसान सा तरीका है धनिया लगाने का। तो आप भी अपने घर में धनिया लगाएं और अपना धनिया इंजॉय करें। कुछ ना कुछ तो खुद उगा के भी खाना चाहिए। तो ये थोड़े दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं आपको इसकी अपडेट इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड, फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपडेट के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।